मात्र तीन सीटें पिछली बार अगर 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो तीन सीटें ही भाजपा जीत पाई थी इन आठ सीटों में से। इस बार भाजपा का जोर है और कि किसी भी ढंग से अपने आंकड़े को दुरुस्त किया जाए, मजबूत किया जाए, क्योंकि आठ सीटों और इन आठ सीटों से कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 80 सीटों का मामला है उत्तर प्रदेश का। एक ओपनिंग कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा तत्काल अनिल शर्मा जी, कि इस चुनाव को जिसमें सबसे ज्यादा सीटों का आज पहला फेज सबसे ज्यादा सीटें हैं और यहां से आंकड़े बहुत कुछ कहेंगी कह देंगे जब आने वाला दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज होगा, लेकिन ईवीएम वीवीपैट भी संदेह के घेरे में, चुनाव आयोग से भरोसा कम होता हुआ, लेकिन चुनाव पर, मतदान की प्रक्रिया और खासकर मतदान पर, इस लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा है और इसीलिए दिखाई दे रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो हमेशा की तरह, पिछली बार की तरह ही, और शायद इस बार हो सकता है कि ज़्यादा ही रहे, पिछली बार से ज़्यादा रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो नंबर वन नंबर टू पे आज अभी जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं। दक्षिण में भी देखा जाए तो तमिलनाडु जहां पर 39 सीटें और पूरी की पूरी 39 सीटों पे मतदान, उधर जम्मू कश्मीर में जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए तो जम्मू कश्मीर में भी अलग बात, लेकिन खासकर राजस्थान का जिक्र यहां करना चाहूंगा, 12 सीटों पे आज मतदान हो रहे हैं और राजस्थान में कुछ ऐसे भी विजुअल्स आए जहां पर कुछ समुदाय के लोग, खासकर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहिष्कार की बात राजस्थान में भी की थी कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से भाजपा से कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता आ गए, सांसद आ गए। अब वहां पे राजस्थान से ही शुरुआत करना चाहूँगा कि वहाँ पर राजस्थान का माहौल क्या दिखाई देता है। 25 सीटें और 25 में से आज की तारीख में 24 सीटें भाजपा के पास हैं, क्या उम्मीद इंडिया गठबंधन को यहां करना चाहिए और क्या उम्मीद यहां पर आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल कर रहा है? राजस्थान अब के मुझे लग रहा है वोटिंग परसेंटेज देखें शायद अभी सबसे कम राजस्थान में हुई है 41.51%। तो मेरे पास जो फिगर है वो 41.5 के आसपास का फिगर है 3 बजे तक, और उसमें खास बात ये है राजीव जी कि जिन 12 सीटों पे चुनाव अब के हो रहा है उसमें से मैं मानता हूँ 8 या 9 सीटें अभी फंसी हुई हैं, मतलब ये डिक्लेयर नहीं कर सकते किस तरफ जा रहे हैं। एक बात मैं श्योर हूँ, अब के शायद 25-0 स्कोर राजस्थान में नहीं होगा, जो दो बार से होता आ रहा है, चाहे वो 2014 हो तब अच्छे दिन थे उसके बहाव में सब बह गए थे, 2019 जब आया तब नेशनलिज्म राष्ट्रीयता की बात उठी उसमें भी बह गए थे। अब के मुझे लगता है कि तीन कम्युनिटी जो है वो मुझे अलग जाती हुई दिख रही है अभी, जो एक तरह से लामबंद हो गई है या कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हो गया है। एक है जाट, जो कि करीब 14-15% के आसपास उनकी पॉपुलेशन है राजस्थान में, और कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां वो डोमिनेटिंग फोर्स है। दूसरा नंबर है SC/ST, वो भी मुझे लग रहा है उनके दिमाग में एक डर उभरा, जो वो बड़ा खुल के बोलते हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो क्या संविधान बदल देंगे, क्या हमारा आरक्षण बंद कर देंगे, ये जो चीजें हैं उनके दिमाग में उठी और वो उनको भी इंडिया एयरलाइंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए इलेक्शन रिजल्ट वो 4 जून को आएगा, अपन सिर्फ कयास ही लगा रहे हैं अभी। इसके अलावा मुस्लिम्स 9% है, वो आप जानते ही हैं कहाँ वोट देते हैं, उस पर डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सीट वाइज जाऊं, अगर आप मेरे से 12 सीट पूछें, जयपुर मैं मानता हूं बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट है, तो जयपुर कभी भी एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है, और अगर ये मैं मान लूं कि बीजेपी जयपुर हार जाती है तो मानिएगा फिर तो 20 सीट इंडिया अलायंस ले जाएगा, मतलब जयपुर एक बिल्कुल गढ़ है आरएसएस का और बिल्कुल प्रो बीजेपी है। जयपुर के आगे चलते हैं जयपुर ग्रामीण, जहां चुनाव है वहां वोटिंग परसेंटेज कम है पर जयपुर ग्रामीण में लड़ाई तगड़ी है। इसके आप आगे आ जाएंगे शेखावटी बेल्ट पे, सीकर, जहां सुमेधानंद जो बीजेपी के हैं, स्वामी सुमेधानंद, उनकी लड़ाई हो रही है अगेंस्ट अमरा राम CPIM, मतलब सर सॉरी सवरी से बोलते बोलते मुंह तक गया सॉरी इसका मतलब ये है।
वहां पे इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है जो कि बड़ा जुझारू नेता है, सीपीआईएम का बंदा है अमरा राम, बड़े जुझारू है। अगर आप आंकड़ा देखें फलौदी सट्टा बाजार का भी, उसमें भी वो आदमी पिछले दो दिन के अंदर उसकी जो पैसे हैं वो नीचे गिर के इतने आ गए, उससे पता लग रहा है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप सट्टा मार्केट वैसे भी देखें तो सट्टा मार्केट आज भी पहले दो पे चालू हुआ था, फिर तीन आया, फिर पांच आया। ये सट्टा मार्केट है फलौदी का, जिसको कई लोग बेंचमार्क मानते हैं कि फलौदी एक बेंचमार्क है। अभी वो पांच पे टिका हुआ है, इस पोलिंग के बाद क्या होगा वो बाद में पता लगेगा। चूरू आप जानते हैं, राहुल कस्वा जो पहले बीजेपी के सांसद थे, उनके पिताजी भी सांसद रहे थे, वो अब के कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, तो उनका टिकट काट दिया गया। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्रिकेट में हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ये मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब राहुल कस्वा को कांग्रेस ने टिकट दिया। इसका कारण क्या है मैं आपको राजीव जी समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक सीट पर तो अपन बाद में बात कर सकते हैं। इसका कारण ये था क्योंकि जिन्होंने जो एलिगेशन राहुल कस्वा लगाते हैं वो लगाते हैं राजेंद्र राठौड़ ने मेरा टिकट कटवाया। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के एक बड़े स्टेट के लीडर हैं और उनका मानना है उन्होंने मेरा टिकट कटवाया, एलिगेशन लगाया उन्होंने कि मेरा टिकट कटवाने में इनका हाथ है। उसकी वजह से, और राजेंद्र राठौड़ का कहना ये था, वो डायरेक्टली नहीं बोलते पर उनके साथी ये बोला करते थे कि मेरे को तारानगर से चुनाव भरवाने में राहुल कस्वा का हाथ है। इस चीज ने जाटों को एकदम से कंसोलिडेट कर दिया कि हमारे आदमी का टिकट काट दिया गया बीजेपी के द्वारा। वो एक इस पूरे मैच का, इस पूरे इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट है जिसने इंडिया अलायंस को एकदम से ऊपर ले आया। फिर फार्मर एजिटेशन बोलिए, महिला पहलवान बोलिए, वो जोड़ लीजिए, पर मेन पॉइंट ये था जो मेरे को समझ में आता है। गंगानगर में भी लड़ाई अच्छी है, ऐसे ही आप नागौर में आप देख रहे होंगे, वहां तो मैं वीडियो में देख रहा हूं हाथापाई तक हो रही है कई जगहों पे। वहां ज्योति मिर्जा लड़ रही है जो पहले कांग्रेस में थी, हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के, उनसे। तो ओवरऑल मैं मानता हूं 12 में से करीब 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे दोनों का, मतलब आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा, फंसी हुई सीटें हैं दोनों के लिए, एक्सेप्ट फॉर जयपुर, जिसको मैं क्लियर बोलता हूं आज भी कि वो बीजेपी की तरफ जाती हुई मुझे नजर आ रही है और अच्छी मार्जिन से जाती हुई नजर आ रही है मुझे। बाकी सीटें 8 या 9 बिल्कुल फंसी हुई हैं आज की तारीख में। राजीव जी, कारण मैंने आपको 3 गिना दिए, 3 बड़े कारण मैं आपको गिना चुका हूं। पूर्ण बात आप कह रहे थे क्या, और इस पे हम आज चर्चा में करना चाहता था और अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत कर दी। संविधान बचाओ, संविधान की बात, ये क्या गांव-गांव तक ये बात पहुंच चुकी है? और जयपुर की बात आप जैसे कह रहे हैं अनिल शर्मा जी कि जयपुर अगर बीजेपी लूज कर जाती है तो इसका मतलब है कि वहां राजस्थान अपने आप में, लेकिन ये संविधान वाली बात जरा और बताइए कि क्या ये राजस्थान के गांव-गांव तक ये बात पहुंच चुकी है? क्योंकि हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ये इधर उत्तर प्रदेश घूम के आए, बुशरा जी भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया भी घूम के आई हैं, और ये लोग भी यही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी संविधान बचाव वाली बातें होने लगी हैं, राजस्थान में भी है क्या सर? बिल्कुल है सर, और ये ज्यादा है SC ST में, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि अपर कास्ट में है, SC ST में एक चीज अंडर करंट जिसको बोलते हैं वो चल रहा है धीमे धीमे, जिसमें वो बार बार बोलते हैं कि ये संविधान बदल देंगे। उनको संविधान से डर नहीं है, उनको डर है कि आरक्षण खत्म करेंगे या प्राइवेटाइजेशन करेंगे चीजों का, जिससे हमें नौकरी ना मिले। ये एक जहन में उनके बाद बैठी है। और मैं कांग्रेस, पता नहीं, मेरे को लगता है कई बार उनका इलेक्शनिंग बड़ी पुअर होती है, पर पहली बार एक नैरेटिव बना पाई और मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ रहा है। बताइए, वो खड़े होके बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ गए तो भी संविधान चेंज नहीं होगा, नहीं तो बोलने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी इस चीज को बोलने की, अगर आप इतने श्योर थे, क्योंकि आपने क्या करा, अपने दूसरों लोगों से ये बात इंटरव्यूज में भी कहलवाई। मेरे को याद है शायद विवेक डिब्रॉय ने भी इस चीज के ऊपर बोला था। तो इन लोअर कास्ट में एक मैसेज गया, खासतौर से SC ST में, कि ये किसी भी तरह से आरक्षण को खत्म करने के चक्कर में है। वो बात आपको जयपुर में भी सुनाई दे रही है, गांव तो छोड़िए, जयपुर मैं मानता हूं बीजेपी का गढ़ है बिल्कुल, वहां पे भी ये मुद्दा बना है। और लोग आके पूछते हैं
संविधान को बचाना पड़ेगा, इसलिए आपके मोदी को हटाना पड़ेगा। तो ये जो बुशरा जी ने देखा, प्रशांत जी ने देखा, वो मैं राजस्थान में भी फील कर रहा हूं, गांव में भी कर रहा हूं। और गांव में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ना राजीव जी, वो जाटों की है। शेखावटी बेल्ट में जहां चुनाव हो रहे, वो जाट वैसे ही नाराज थे बीजेपी से। उनके साथ अगर दूसरी कम्युनिटीज मिल जाती हैं, जैसे एससी एसटी मुस्लिम, तो इंडिया अलायंस काफी अच्छे विकेट पे आ जाता है फिर। और यही कारण है कि राजस्थान में मैं मानता हूं 25-0 स्कोर तो नहीं होगा, 20-5 हो सकता है, 18-7 हो सकता है। और अगर अंडरकरेंट है इतना स्ट्रॉन्ग संविधान के अगेंस्ट में, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अनिल जी, की ये चुनाव या पिछला चुनाव, विधानसभा के चुनाव, सारे चुनाव अभी तक पिछले 10 साल में हम लोग देखते आए हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ती आई है, और ये चुनाव तो खुल के नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी लड़ रही है। उसके संकल्प पत्र के हर पन्ने पर मोदी की गारंटी है, बीजेपी की गारंटी नहीं है, तो एक तो साफ दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या अभी वो जलवा बरकरार है जो 2019 में था, जो 2014 में था, और जो इन चुनावों में भी देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में? देखिए राजीव जी, मैं एक चीज बताता हूँ, आपने नरेंद्र मोदी की रैलीज बहुत कवर करी होगी, हमने भी राजस्थान में कवर करी है। वो कहाँ गए नारे मोदी मोदी मोदी, अब के कहाँ सुने आपने? जो भीड़ मोदी के आने पे नारे लगाया करती थी, वो कहाँ थी? कम से कम मैंने राजस्थान में तो नोटिस नहीं करा कि कोई उनकी रैली में आके और मोदी 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 चिल्ला रहा हो, मैंने नोटिस नहीं करा, सही बता रहा हूं। तो मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं थी अब के जनता मोदी के प्रति, क्योंकि उनके लिए मुद्दे बने महंगाई, उनके लिए मुद्दा बना बेरोजगारी, उनके लिए ऐसे मुद्दे बने संविधान, ये मुद्दे बने, उसमें मोदी जी कहीं खो गए। अच्छा, एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, ये गारंटी शब्द भी कहां से आया? ये गारंटी शब्द सबसे पहले राजस्थान में अशोक गहलोत ने यूज करा था, आपको अगर याद हो विधानसभा चुनावों में। उसके बाद ये मोदी की गारंटी आ गई, आप अगर याद करेंगे तो उस टाइम पे यही था। अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं, 2019 का चुनाव में बीजेपी को करीब 60% वोट मिले थे, और लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस को करीब 36% के आसपास वोट मिले थे। गैप बहुत बड़ा था क्योंकि राष्ट्रीयता एक मुद्दा था। 2018 का विधानसभा चुनाव अपन देखते हैं, गैप सिर्फ 2% का था, 1.5 से 2% का, मतलब कांग्रेस ने तभी रिकवर कर लिया था। अगर मैं विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट करता हूं, तो कांग्रेस 11 सीट लाती है और बीजेपी 14 सीट लाती है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की हालत इतनी बुरी नहीं है। और कई जगह राजीव जी, आप अचंभित होंगे, कई जगह लोग अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर नहीं है। उसका कारण है, भजन लाल जी को बिचारों को कोई जानता नहीं है। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, वो सभाओं में जा रहे। देखिए, मैं वीडियो की वेरेसिटी को अपने लेवल पे ये नहीं कर सकता सही है गलत है, पर एक वीडियो आया जिसमें उनके पीछे लोग बैठे, वो लोग भीड़ उठ के जा रही है, भाषण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, अगर आप हिंदू हैं तो आप बैठ जाइए, आपको महादेव की कसम। अगर ये हालत आपको राजस्थान में देखने को मिल रही है, इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा मैं राजीव जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे मीना लीडर हैं जो बीजेपी में बड़े स्ट्रांग हैं, किरोड़ीलाल मीना मिनिस्टर भी हैं, उनके अगर आपने वीडियोस देखे हो, 2-3 वीडियो के अंदर वो नाराज होकर चले गए कि मैं 24-25 लोगों के बीच में भाषण क्यों दूं, मतलब आप भीड़ भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी कम्युनिटी को नहीं समझा पा रहा हूं। तो क्या बीजेपी, क्या अंडरकरेंट है? अगर अंडरकरेंट है जो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मतलब यह है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस, जो भी आप बोलना चाहें, वो काफी फर्म फुटिंग पे है। पर मेरा मानना यह है, आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि 12 सीट में से कितनी सीट आपको लगता है जो टफ फाइट है, तो मैं बोलूंगा 8 से 9। जीत हार मैं नहीं बता पाऊंगा राजीव जी, क्योंकि ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूं ना एस्ट्रोलॉजर हूं, पर यह बता सकता हूं सीटें फंसी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बुशरा जी, कुछ जोड़ना चाह रही हैं या पूछना चाह रही हैं शायद? जी बुशरा जी,
अनिल जी के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, विधानसभा का जब इलेक्शन था राजस्थान का तब भी काफी प्रोग्राम किए हैं मैंने, और अनिल जी इस सवाल से हमेशा बचते रहे लेकिन फिर भी फंस जाते हैं कि आखिर कितनी सीटों पर हम हमेशा उनसे पूछते थे कि आप बताइए कि अभी की स्थिति आपको क्या लग रही है। तो अनिल जी फिर से आपको थोड़ा सा फंसाना जरूर चाहूंगी, इन 12 सीटों पर अभी फिलहाल आपको स्थिति क्या लग रही है, बीजेपी कितना और इंडिया गठबंधन, क्योंकि वहां तो कांग्रेस ही है तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कितना, क्या स्थिति लग रही है, क्या विधानसभा के चुनाव के बाद वहां की स्थितियां कुछ बदली है, क्या लोगों को किसी तरह का कोई रियलाइजेशन है? मैं आपको इसका सीधा जवाब तो नहीं दूंगा बुशरा जी, आप हर बार मेरे को फंसाने की कोशिश करती हैं। मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो दिसंबर में चुनाव हुए थे असेंबली के, उसमें जब वजनलाल जी को चुना गया तो लोगों में एक रोष पैदा हुआ, ज्यादातर लोगों का कहना यह था हमने वजनलाल जी के लिए वोट बीजेपी को नहीं दिया था, ये बड़ा क्लियर एक मैसेज गया। फिर उन बिचारों को, उनकी भी गलती नहीं है, सीएम बने, उनको टाइम कितना मिला, 3 महीने 4 महीने, लोग काउंट करने लगे। अब आप कंपेयर करेंगे विद अशोक गहलोत या उनकी स्कीम्स, तो उनको टाइम नहीं मिला उसको देखने का, उसको इंप्लीमेंट ढंग से करने का, वहां वो एक तरह से थोड़ी बीजेपी मात खा गई, क्यों अशोक गहलोत इतना सारा कर गए कि आपको उसकी बराबरी करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, वेलफेयर स्कीम्स इतनी लॉन्च कर गए। आप देखिए चिरंजीवी योजना पे अपन बात करते थे जब विधानसभा चुनाव में बात करते थे, 25 लाख की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, देखिए आज वो कांग्रेस मैनिफेस्टो का पार्ट है, अगर आप कांग्रेस मैनिफेस्टो पढ़ेंगे उसका पार्ट है वो, और वो पार्ट इसलिए बना क्यों अशोक गहलोत उसको राजस्थान में स्कीम को लाए, राइट टू मिनिमम वेजेस, ये भी आप देखिए पार्ट है एक तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो का, कौन आदमी लाया था, ये अशोक गहलोत लाए थे, किस आदमी ने सबसे पहले बोला था मुझे आज तक याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अशोक गहलोत की जब अरुण जेटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए थे, वो पहले आदमी थे, मैं इस बात को वाउच कर सकता हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप क्या सोचते हो तो उन्होंने जवाब दिया था इलेक्शंस को स्टेट फंडिंग से फाइट कराना चाहिए, मतलब स्टेट फंड करे, दोनों को बराबर पैसा दे, चुनाव लड़ो, उन्होंने ये सबसे पहले आदमी थे, इसलिए बेचारे वो तो फंस गए। आपको बुशरा जी पर यह जवाब जरूर दूंगा, 25-0 स्कोर नहीं होगा मुझे नहीं लगता, और आज की 12 सीट पे से अगर मैं बोल रहा हूं 8 से 9 सीट फंसी हुई हैं तो आप मान के चलिए कुछ ना कुछ तो सीट आई, ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता बुशरा जी। जी अनिल जी, इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ जोड़ना चाह रही थी, सचिन पायलट फैक्टर आपको कितना बड़ा लग रहा है? मैंने देखा कई रैलियों में, कई जगहों पर मैंने देखा कि कंधों पर उठाकर उनको बहुत दूर तक कार्यकर्ता ही होंगे, समर्थक होंगे, वो लेकर गए, और वहां जिस तरह का रिस्पॉन्स था, जिस तरह की तालियां, जिस तरह के नारे लग रहे थे वहां पर, और सचिन पायलट लगातार जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या विधानसभा से लोकसभा में कोई फर्क आपको नजर आता है? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की केमिस्ट्री आपको पहले से बेहतर नजर आती है, और क्या उनका फैक्टर युवाओं पर असर करता हुआ लोकसभा के चुनाव में आपको नजर आ रहा है? देखिए भूषा जी, एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इन द माइंड, दिस इज नॉट द फाइट फॉर लीडरशिप नाउ, अब ये लीडरशिप की लड़ाई नहीं है सीएम कौन बनेगा, विधानसभा चुनावों में लड़ाई थी सीएम कौन बनेगा, अशोक गहलोत बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे, वो लड़ाई थी, अब के वो लड़ाई नहीं है। तो क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं पूरा, राजस्थान में एक अब बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि जो सचिन पायलट ने अपने कैंडिडेट से या जो गुजर और मीना बेल्ट है उस पर कंसंट्रेट करा, और बहुत तगड़ा कंसंट्रेट करा, गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं वो जाट हैं बाय कास्ट, उन्होंने जाट लैंड को जिस तरह से कवरेज करा, बिसाइड्स कवरिंग अदर एरियाज उन्होंने जाट लैंड को भी कवर करा, पायलट ने वो एरियाज कवर करे जहां जहां उनके लोगों को टिकट मिला, जैसे अनिल चोपड़ा जयपुर रूरल बड़े यंग हैं उनके लिए उन्होंने कई रैलियां करी, और टोंक सवाई माधोपुर उनका एरिया है वहां भी रैलियां करी, दौसा उनका एरिया है वहां भी रैलियां करी, क्योंकि राजेश पायलट दौसा से कड़े होते थे। अशोक गहलोत ने पूरा राजस्थान संभाला, तो वो करीब 55 के आसपास जगहों पे विजिट करा उन्होंने, तो आप देखिए अब के ये लड़ाई नहीं है, अब के ये तीनों ने अपना इतना हिस्सा बांट लिया, और मुझे लगता है आगे के लिए भी ये तय हो गया कि आप इस एरिया में आप अपने टिकट दीजिएगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस एरिया में मैं अपने लोगों को टिकट दूंगा, और रेस्ट ऑफ मैं असेंबली की बात कर रहा हूं, रेस्ट ऑफ द एरियाज में अशोक गहलोत देंगे, अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है।
ये चुनाव में एक बहुत बड़ी बात है बुशरा जी, चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स बाय कांग्रेस हैज बीन बेटर देन बीजेपी एक्सेप्ट फॉर टू सीट्स, मतलब इट इज मच बेटर देन बीजेपी। जो चॉइस ऑफ कैंडिडेट, आपने एक चीज गलत बोली, राजस्थान में इंडिया अलायंस है क्योंकि एक सीपीआईएम का बंदा लड़ रहा है, एक आरएलपी का लड़ रहा है, एक बाप का लड़ रहा है ट्राइबल बेल्ट से, और वो आदमी भी सीट निकाल सकता है, बाप वाला भी, तो इसलिए इंडिया अलायंस 3 सीट पे है, 22 सीट पे कांग्रेस है जी। राजीव जी, जी जी बिल्कुल 3 महत्वपूर्ण आप जो इनके घटक दल हैं उसका जिक्र आपने अच्छा किया, यहाँ आपने किया, क्योंकि 25 और 25 में से 3 और बहुत मजबूती के साथ यहाँ इंडिया गठबंधन की बात बाहर भी, यानी राजस्थान के बाहर भी खूब चर्चा है इस बार राजस्थान की, पिछली दफ़ा और इस बार में बहुत सारे फर्क दिखाई दे रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, जब हम लोग संविधान की बात कर रहे थे, मुझे याद है कि आप जब रामपुर साइड में थे तब वहाँ भी शायद गांव-गांव में संविधान बचाओ वाली बातें चल रही हैं, इधर मेरठ से भी वही खबरें आ रही हैं, और क्या इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में भी नजर आता है, जैसे यहाँ अनिल शर्मा साहब कह रहे हैं राजस्थान में ये असर दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसका असर है, और बहुत एक बड़ी घटना हुई है आज ही। देखिए कि अभी अनिल शर्मा जी मोदी के बयान की जिक्र कर रहे थे, आज ही अमित शाह का बयान आया इंटरव्यू के दौरान कि वो आरक्षण बीजेपी खत्म नहीं करेगी, ये सफाई देनी पड़ रही है। ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? बहुत कुछ राजीव जी मीडिया के कैमरे के अलावा भी होता है इस देश में। 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाकर जलसे होते हैं, छोटी छोटी सेमिनार होती है 70-80-100-200-300 लोगों की, आसपास के मोहल्लों के गांव के शिक्षक या बुद्धिजीवी या एक्टिविस्ट उसमें भाषण देते हैं। ये पूरे देश में होता है, मैं जहां रहता हूं वहां 5-6 जगह हुआ है, 2 जगह तो मैं खुद गया था। तो अब पूरे देश में अगर ये हो रहा है, और उस पूरे अंबेडकर जयंती में जो भाषण हुए हैं पूरे देश में हजारों जगह, उसमें यही बात हुई है कि संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है। तो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, एक अंडरकरेंट इस तरह बना है, ये मीडिया ने नहीं किया है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। वो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में जो हजारों सभाएं हुई हैं छोटी छोटी, अब हर जगह होती है, उत्तर प्रदेश के बिहार के छोटे से छोटे कस्बे में गांव में मोहल्लों में शहरों में सब जगह होती हैं, बस्तियों में ये सभाएं, अकेले दिल्ली में सैकड़ों होती हैं। तो इससे एक संदेश चला गया है, और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? इन्होंने राजीव जी बड़ा चाणक्य वगैरह की उपाधि इनको दी जाती है, इन्होंने 400 सीट को जस्टिफाई करने के लिए ये बयान दिलवाने शुरू किए अपने नेताओं से कि संविधान बदलना है तो 400 सीटें लाओ। वो उल्टा पड़ गया, एकदम उल्टा पड़ गया, और अब ये संविधान और 400 सीट का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो एकदम उल्टा पड़ गया इनके लिए। और एक बात और, अनिल जी चले गए शायद, उनसे पूछना चाहता था कि झालावाड़ के बाहर वसुंधरा राजे भी कहीं नहीं जा पाई, बाकी लोग तो जा रहे हैं, तो ये भी एक राजस्थान में बड़ा फैक्टर हुआ कि मुख्यमंत्री कोई पहचानता नहीं है, और जिनको पूरा राजस्थान पहचानता है वो अपने बेटे कंस्टिट्यूंसी के आगे कहीं गई नहीं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर राजस्थान में हुआ है जी। ये विजुअल जरा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये विजुअल जरा फुल स्क्रीन ले आइए, और इसमें ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। भनवाड़ा गांव में वहाँ की तस्वीर है, तपती दोपहरी के बीच ये मुस्लिम वोटर्स लंबी लंबी लाइनों में हैं, लगे हुए हैं,
और लेकिन यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर के एएसपी हैं अभिषेक सिंह, वहाँ पहुँचकर वोटरों का आईडी चेक कर रहे हैं और ये एक मैसेज एक गया हुआ है कि इतने लोग जो हैं वो आए हुए हैं वोट देने के लिए। तो ये एक पोलिंग बूथ पे तपती दोपहरी में इतने लोग निकल के आए हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग खासकर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, और वोट का अधिकार अपना और मत डालने के लिए, और सबके वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो यहाँ चेक किए जा रहे हैं। आप देखिए सिर पे तपती दोपहरी, सिर पे गमछा रखे हुए, टोपी पहने हुए, गर्मी से बचने की कोशिश करते हुए महिलाएं आपको बुरके में दिख रही हैं, पुरुष हैं, और तमाम जो वोटर्स हैं वो उनके आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर का ये विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना है और हुसैनाबाद भनवाड़ा ये उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है हुसैनाबाद का। और अमलेंदु जी, इस एरिया को या यहाँ के लोगों को आप और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इतनी संख्या में इतनी गर्मी है उसमें यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं वोट देना है। जी राजीव जी, यहाँ ये भी है इतना लोग इकट्ठा, ये भी है कि यहाँ वोटिंग जो है वो धीमे कराई जा रही है और गर्मी में जो लोगों को खड़ा रखा जा रहा है धूप में, ये भी आरोप लग रहे हैं कि यहाँ जो है जानबूझ के देर की जा रही है। और एएसपी जो है अभिषेक सिंह वो खुद जो है खड़े होकर के यहाँ पर जो है एक एक उसको चेक कर रहे हैं, तो ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है। और जो बार बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं ये वो आरोप है कि किस तरीके से यहाँ किया जा रहा है, कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है। लेकिन ये बताता है राजीव जी इसके साथ ही कि लोगों में जागरूकता है और ये भी जागरूकता है कि ठीक है मशीनें जो करेंगी वो करेंगी, हमें अपना काम जो करना है वो हम अपना काम करके आएंगे, मशीनों से जब होगा तब होगा हिसाब किताब, लेकिन अभी हमें जो अपना काम करना है वो अपना काम हर हाल में करना है, चूंकि ये लोकतंत्र संविधान बचाने का आखिरी मौका है। राजीव जी, इस लोगों की बात ये समझ में आ गई अच्छे तरीके से, इसलिए जो है लोग अच्छे तरीके से निकल के आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पारा जो है राजीव जी सर जो मई और जून में होता है वो इस समय अप्रैल में हो रहा है बिल्कुल एकदम, और इतने अधिक पारे में भी लोग किस तरीके से तपती दोपहरी में जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं और खुले धूप है एकदम बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ी धूप जो है उसके अंदर लोग बिल्कुल बिल्कुल तपती धूप है। और उसमें ये विधानसभा क्षेत्र बुढ़ाना आप जानते हैं, वहाँ मुजफ्फरनगर की तस्वीर और कोई छांव का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि अब सोचिए कि अगर यहाँ बारिश हो रही होती तो फिर क्या स्थिति होती। धूप है, गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए आप सिर पे टोपी पहन लेते हैं या गमछा रख लेते हैं, लेकिन अगर बारिश हो रही होती तो क्या करते ये तमाम मतदाता। और यहाँ बहुत धीमी गति से मतदान, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें भी हर उम्र के लोग यहाँ पुरुष महिला सब दिखाई दे रहे हैं और अपने मतदान का अपने अधिकार का यहाँ इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं, और यही तो लोकतंत्र है। ये तस्वीर इसलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है, और जैसे जैसे शाम की ओर ये हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ लोग बढ़ चढ़ के इस लोक पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें आप तक और भी बहुत सारी हम तस्वीरें पहुँचाएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ आप तक हम और भी पहुँचाएंगे। हमारे साथ तीन साथी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, बुशरा खानम जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे आप उस समय, माफी चाहूँगा रोक दिया था आपको, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं राजीव जी सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बहुत साफ है, दिखाई दे रहा है कि कैसे एक खास वर्ग को निशाने पर रखा जाता है सिस्टम के द्वारा, और ये पुलिस को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ये सेंसिटाइजेशन करना चाहिए कि बतौर नागरिक एक मुसलमान के, आदिवासी के, दलित के, जनरल कास्ट के, सबके अधिकार बराबर हैं। पुलिस होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लठैत हैं, आपको संविधान और कानून का पालन करवाना है वहाँ पर खड़े होकर। वोटर आई कार्ड चेक करना पुलिस का काम नहीं है, वो तब है जब उनको पोलिंग अधिकारी कहे कि भाई मुझे आपकी आपकी मदद की आवश्यकता, हमारे पास लोग कम है, वो भी सीमित अधिकार, केवल किसी को खदेड़ने का, किसी को भगाने का, किसी के अनावश्यक रूप से तलाशी लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कि वो मतदान केंद्र को सुचारू रूप से चलाए,
तो पुलिस को बहुत ही सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, पूरे देश की पुलिस को। आप देखिए किस तरीके से पुलिस जब किसानों का मामला होता है बेतहाशा लाठी चलाती है, बेतहाशा जानवरों की तरह, क्योंकि उनको उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वो बाउंसर हो। ये बाउंसर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ये कानून और संविधान के अंतर्गत ये काम करेंगे। जो दिखाई देता है कई बार तस्वीरों में वो बाउंसर के रोल में दिखाई देते हैं पुलिस अधिकारी, ये बड़े अफसोस की बात है। क्या ये पुलिस अधिकारी जो मुस्लिम महिलाओं को चेक कर रहा है, क्या इसने किसी दूसरे वर्ग के लोगों को इसने चेक किया? मुझे नहीं लगता। अगर कैमरे के बाहर इससे बात कर ली जाए तो इसका जहर सामने आ जाएगा। दूसरी बात की एक मैं देख रहा हूं राजीव जी दूसरे मीडिया में, वो ये कि तेजस्वी यादव के बयान को भी बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने चिराग पासवान के की मां के बारे में जो अपशब्द कहे गए किसी के द्वारा, उसको लेकर उनका पहला वीडियो जो आपने दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है। लेकिन जब बार बार सवाल पूछने लगे वही एजेंडा वाले, तब उन्होंने कहा कि बार बार मत पूछो। तब क्या चल रहा है जो बीजेपी समर्थक मीडिया है, तेजस्वी यादव सवालों से बच रहे हैं। अरे पहला शब्द ही उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा है, उसको नहीं दिखा रहे। तो ये प्रचार जो है मीडिया के द्वारा जो है वो लगातार जारी है। सरकारी जो मशीनरी है वो किसका, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, चुनाव आयोग की आंखें बंद हैं, मतलब एक बड़ा अजीब। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा है, इतने लोग अगर लाइनों में खड़े हैं राजीव जी, तो ये लोकतंत्र के जीवित होने की गवाही है। और ये लोग जो धूप में खड़े होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे भारत में संविधान को जिंदा रखेंगे, यहाँ पे तानाशाही नहीं आने देंगे। ये कमिटमेंट जो लोगों का दिखाई दे रहा है वो ये कमिटमेंट है राजीव जी। एक ये कमिटमेंट होना भी चाहिए, और इसलिए क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करके आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। और ईवीएम को भी हराना है तो आपको ईवीएम में जो धांधली करने वाले लोग हैं खासकर कहें तो उनको अगर हराना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देना होगा। और कई बार ये बात इस चुनाव प्रचार अभियान के दौरान या जब जब ईवीएम की चर्चा हुई उस समय भी हम लोगों ने कही कि ईवीएम की सेटिंग गड़बड़ी टैम्परिंग जो भी बात है उसमें सबसे ऊपर जो उठ के आता है उस पर अगर विजय प्राप्त करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और वोट डालिए। अगर आप निकल रहे हैं वोट डाल रहे हैं आपके एरिया में अगर वोटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकल रहे हैं वो जाइए वोट डाल के आइए, अभी भी वक्त है। कई जगह जैसे उधर मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारे राज्य जहां जहां आज मतदान की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है, 4 बजे तक वोटिंग थी। छत्तीसगढ़ का बस्तर, ऐसे ही उधर उधमपुर, बहुत सारे जम्मू कश्मीर का जहां 4 बजे तक पोलिंग और 4 बजे तक, अब चूंकि 5 बज चुका है तो उधर की पोलिंग समाप्त, लेकिन अभी भी कई जगह 4 बजे नहीं बल्कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है। और एक बात ये ज़रूर याद रखिए कि शाम 6 बजे तक भी अगर आप लाइन में लग गए तो ये नियम है कि आखिरी लाइन, भले वो आखिरी आदमी, उस लाइन का आखिरी आदमी, आखिरी वोटर भले रात को 10 बज जाए लेकिन वो वोट डाल के ही जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, और अभी तो धीरे धीरे मौसम थोड़ा सुहाना होता हुआ दिखाई देगा, ठंडी हवा और उसके बीच ठंडक ठंडी सांस लेते हुए अपनी सरकार चुनने के लिए बटन दबाइए और बीप ज़रूर सुनिए और देखिए झांकिए कि क्या आपकी पर्ची गिर गई कि नहीं, ये भी ज़रूर देखिए क्योंकि यही तो कहानी है। इसलिए बुशरा जी, जिस तरह से लगातार राजीव जी हम अपने चैनल के जरिए मतदाताओं को न सिर्फ जगाने का काम कर रहे हैं बल्कि उनको अवेयर भी करा रहे हैं कि कैसे जब आप वोट डालने के लिए जाएं तो कैसे होशियार रहें।
सिर्फ एक एक खाना पूर्ति ना करें कि भाई आज का दिन है, वोट डालने जाना है, तो चलिए लाइन में लग गए और वोट आपने डाला, लेकिन आप पूरा प्रोसेस जो है उसको अपने आंख कान जो है बिल्कुल एकदम खुले रखकर, और खासतौर पर आंखें अपनी बिल्कुल एकदम खुली रखकर आप जो है अपना पूरे प्रोसेस को आप देखें, बटन दबाएं, आपने किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को आपने वोट किया है, आपके पास वो 7 सेकंड होते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, आप वो देख सकते हैं। और ये एक जागरूक मतदाता जो है वो इस तरह के काम जरूर कर सकता है, और जागरूक मतदाता ही है जो इस कड़ी धूप में, इस दोपहरी में लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकता है, इस लोकतंत्र का, इस देश का लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा, और उसी वजह से ये लोग लाइनों में लगे हैं, क्योंकि ये इनका दृढ़ विश्वास है कि अगर कुछ बदल सकता है, अगर हालात बदल सकते हैं, अगर नियति बदल सकती है, तो वो सिर्फ एक चीज से है, और वो है वोट से, जो लोकतंत्र, जो संविधान इनको अधिकार देता है, और उसी को बचाने के लिए ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं। राजीव जी, आप लगातार ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की बात क्या वोटर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं जितनी भी जगहों पर गई हूं अब तक, ये सवाल मैंने तमाम लोगों से पूछा है, और अगर मैंने ये सवाल नहीं भी पूछा है, अगर सिर्फ ये भी सवाल पूछा है कि किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, तो भी पहला लफ्ज उनके मुंह से संविधान आता है। यानी कि ये बात जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाना चाहता था, जो लोगों को जागरूक करना चाहता था, वो मतदाता जागरूक हुआ है, उसको ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव असाधारण चुनाव है, ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, पहले इससे पहले हुए तमाम चुनावों से ये चुनाव अलग है। अगर वो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते, क्योंकि ये पता है कि लोकतंत्र और संविधान किससे खतरे में है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो वो वोट के जरिए ही इसको बदल सकते हैं। और ये तमाम कम्युनिटीज, अक्रॉस कम्युनिटीज, खासतौर पर मैं यहाँ पर दलित कम्युनिटी की बात करूंगी, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगी, और वो कम्युनिटीज जो बीजेपी को पहले उन्होंने वोट किया लेकिन अब वो वोट नहीं करना चाहते, उन सबका ये कहना है कि हमें जो अधिकार मिले हैं वो हमें संविधान ने दिए हैं, ये तानाशाही मचा रखी है, ये वर्ड लोग इस्तेमाल करने के, तानाशाही मचा रखी है, एक सरकार अगर लंबे वक्त से रहे तो वो उदासीन हो जाती है जनता के प्रति, उसको ये गुमान हो चला है, हो जाए, उसको कोई हटा नहीं सकता है, उसको ये गुमान हो जाता है कि वो कुछ भी करे ना करे वो सत्ता में वापसी करेगी। तो इसीलिए लोकतंत्र का ये नियम है कि आप बदलाव करें, आप जवाबदेह सरकार को बनाएं, और मुझे लगता है कि इस बार जनता सरकार को चेता रही है, सरकार को जवाबदेह बना रही है, इसलिए लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगी है। देखिए, पहले भी हमने देखा है 2014-2019 में भी देखा कि लोग कतारों में लगकर वोट करते हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई एक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पुलवामा जैसा, राष्ट्रवाद जैसा, मंदिर जैसा, या ध्रुवीकरण का, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है, एक अंडर करंट है, एक लहर है, एक खामोश वोटर है, जो खामोश वोटर हमें इन लाइनों में नजर आ रहा है, जो एक बदलाव चाहता है, वो वोटर यहाँ पर हमें लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को लेकर अगर लोग कहें कि एंटी लहर नहीं है, तो प्रो लहर भी कोई नजर नहीं आती है, मोदी की जो रैलियां हैं उनमें मोदी मोदी के नारे नजर नहीं आते कार्यकर्ताओं के अलावा, उनकी रैलियां जो है वो उबाऊ है, उनके भाषण पकाऊ है, और वहां पर से वो विपक्ष को कोसते हुए नजर आते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और यही वजह है कि आज जब चुनाव हो रहा है और जो सीटें जहां बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, अमरोहा से लगी हुई है, वहां पर प्रधानमंत्री अपनी रैली करते हैं, मैंने सुबह कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर रैली कर रहे होंगे, तो वो रैली करते हैं और वहां पर शहजादे फिल्म बना रहे हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, लोग, जनता बहुत अभी चेत चुकी है, बहुत जाग चुकी है, और उसी की वानगी हमें देखने के लिए मिल रही है। बुशरा जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक ट्वीट किया, देखिए ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव। भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जी हाँ, पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है भाजपा का, अखिलेश यादव लिख रहे हैं। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पीटे डायलॉग्स।
भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अब नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई, और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन, ये कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो पहली लाइन है कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप, जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। इसी डायलॉग की बात हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी भी कह रही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण उसका जिक्र आ रहा था, इसलिए ये अचानक इस अभी अभी थोड़ी देर पहले आप देख लीजिए 4:57 पे अभी से लगभग 15 मिनट पहले का ये ट्वीट है अखिलेश यादव का, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट 15 मिनट पहले अखिलेश यादव, और सीधा सीधा देश की जनता को बधाई दे रहे हैं नई राजनीतिक चेतना के हिसाब से भी, और पहला दिन पहला शो जो है वो फ्लॉप हो गया है। प्रशांत टंडन जी, अखिलेश यादव आज गौतम बुद्ध नगर में थे, नोएडा में थे जी, और जो बात उन्होंने कही है राजीव जी की कुछ समाजों ने परंपरा से हटकर हमको समर्थन दिया, वो राजपूत समाज के लिए कह रहे हैं, मेरे ख्याल से क्षत्रिय समाज के लिए कह रहे हैं। तो जिसकी चर्चा मैं दिन में और सुबह भी कर रहा था कि एक नया कॉम्बिनेशन जो पीडीए से आगे चला गया और वो वहीं पे जो चौधरी चरण सिंह ने बनाया था इक्वेशन वो बन गया है, उसमें प्लस मुस्लिम बहुत बड़ा सामाजिक आधार जो है वो बन गया है और इसका विस्तार हो रहा है। ये देखिएगा कि ये केवल इन 8 सीटों तक नहीं रुकेगा, अब यहाँ से ही आगे जाएगा। आज जो अब 5 बज चुका है तो पोलिंग अब ख़त्म होगी, जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं वही वोट देंगे, लेकिन या 6 बजे तक शायद, लेकिन अगर 6 बजे तक है, 6 बजे तक तो, लेकिन अगर ये 8 सीटों के अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में भी ये ट्रेंड जाएगा, राजस्थान में जो आज हुआ वो ट्रेंड जाएगा, जो बात आरक्षण की हो गई है वो अब सेटल हो गया, अब इसको केवल अगले 6 चरणों में मोदी साहब केवल इसको मिटाने की कोशिश करेंगे, और आप देखिएगा कि राजनीतिक विमर्श बहुत नीचे तक गिरेगा, क्योंकि अब जो है बेचैनी आएगी। और आप देखिए कि मोदी साहब के शुरू के भाषणों को भी देखिए आप, और आप तेजस्वी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषणों को देखिए, उनके कैंपेन को देखिए, वो इस इलेक्शन के या लोकतंत्र के पर्व को एंजॉय कर रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, वो सब दिखा भी रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, थोड़ा हंसी विनोद भी हो रहा है। मोदी साहब एक चिढ़े हुए गुस्से में एक अजीब सा एक तेवर लिए हुए दिखाई देते हर रैली में, और हमेशा दूसरों के भाषण में नुक्ताचीनी, उन्होंने ये कह दिया उसका ये मतलब है, तो ये बड़ा मतलब जिसको कहें कि एक मतलब स्टीरियोटाइपिंग मोदी साहब ने अपनी कर दी है, और वो अब एक्सपोज हो गई है, वो लोगों ने पहचान लिया है, अब उसमें लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। अभी हमारे साथी थे वो कह रहे थे कि अब कोई मोदी नहीं करता, वाकई नहीं करता, क्यों करेगा, तो उनकी कोई अब फैन फॉलोइंग उस तरीके की नहीं है। सोशल मीडिया पे भी राजीव जी क्या है कि ये लोग सोशल मीडिया की लड़ाई भी हार चुके हैं, सोशल मीडिया पे इनके पास केवल गाली गलौज देने वाला एक तबका बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादा क्रिएटिव वीडियो, ज़्यादा क्रिएटिव लाइनें, ज़्यादा कैची पोस्ट फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या ट्विटर में एक्स में, वो अब इनकी तरफ से नहीं आती हैं, वो अब दूसरे खेमे से आती हैं, क्योंकि दूसरा खेमा थोड़ा बिंदास है, थोड़ा सा खुला हुआ है, और इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाली गलौज वाले जो ट्रोल्स हैं वो इनके पास भरमार है। तो बड़ा विजिबल वो दिख रहा है हताशा का माहौल इनके कैंप में, और जिस तरीके का आज वोटिंग हुई है उससे तो लग रहा है, और मोदी साहब हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, कल सुबह तक
उनका जो पहला भाषण होगा वो एग्जिट पोल होगा आज की पोलिंग का। जी जी, बुशरा जी कुछ जोड़ रही हैं। जी, दो इंसिडेंट की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। अभी अगर आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा महुआ मोइत्रा का, जो वो कैंपेन कर रही हैं और उनसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है, और उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी एनर्जी का सोर्स, तो वो वहां पर एक्स कह रही है। मैं यहाँ वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी कि इतनी गंदगी भरी हुई है इन लोगों के जहन में कि आप देखिए, एक तरफ बात करते हैं नारी शक्ति की, नारी वंदन की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कैसे पहली बात तो वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि थी, अब वो नहीं रही हैं, वो लगातार इलेक्शन कैंपेन वो कर रही हैं। एक वो जवाब देती हैं कि आपकी एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वो एक्स कहती हैं, उसको किसी और शब्द से जोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो गंदा भद्दा कैंपेन जो है एक महिला के प्रति, एक महिला नेता के प्रति चलाया जाता है, इससे ये साफ पता चलता है कि कितने हताश और निराश हैं ये लोग। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी आईटी सेल के लोग, और अगर महुआ मोइत्रा को लेकर इस तरह की गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ इतना गंदा अगर कैंपेन ट्विटर पे किया जा रहा है, नगर वधु तो उनको खुद बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया था, वो सबके सामने है, और अब दूसरे एक वर्ड का इस्तेमाल, वो कोई खराब वर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से उस वर्ड का इस्तेमाल, फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और उनके सपोर्टर्स के पास और कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ महिलाओं का या दूसरे नेताओं का भी सिर्फ चरित्र हनन ही करते हुए वो नजर आते हैं, और यही सुपारी जो है वो मीडिया को भी मिल जाती है, और फिर मीडिया भी इसी तरह की गंदगी पर उतरकर वही तमाम हरकतें करता हुआ नजर आता है। शुक्र है उन फैक्ट चेकर्स का कि कम से कम वो फैक्ट चेक उन्होंने किया और ये पता चला कि इस तरह की कोई बात, कोई अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। तो इस स्तर पर राजनीति आ गई है, और इस स्तर पर आकर ये है मुद्दे जिन पर वोट जो है मांगे जा रहे हैं, और जिन पर एक ऐसी मजबूत नेता जो मुखर होकर लगातार पार्लियामेंट में बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह से लेकर उनकी तमाम पॉलिसीज से लेकर सबकी धज्जियां उड़ाती रही, उनको पहले किस तरह से बाहर किया गया और उसके बाद अब उनके चरित्र हनन किया जा रहा है, ये सबने देखा है। दूसरा एक इंसिडेंट और राजीव जी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, वो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ आपको इसलिए बता रही हूँ कि मीडिया किस तरह से एक सुपारी जैसे दी जाती है ना किसी को, उस तरह से काम करता हुआ नजर आता है। अभी हम सहारनपुर में मौजूद थे, और सहारनपुर में प्रियंका गांधी की रैली को मैं कवर कर रही थी, एक गाड़ी दी जाती थी वहां पर, खुली गाड़ी जिसमें तमाम मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे, कैमरा पर्सन से लेकर रिपोर्टर से लेकर सब जो कवर कर रहे थे, लगातार वो इन्फ्लुएंस दूसरे जो एक तरह से कहूं न्यूट्रल पत्रकार जिसमें मैं भी शामिल थी, उनको इन्फ्लुएंस ये करते हुए नजर आए कि देखिए ये तो बिल्कुल फीकी, ये तो बिल्कुल एकदम बेकार ये रैली है, कोई मजा नहीं है, प्रियंका आ रही है, जब भी ये कुछ लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, इस तरह की खबरें लगातार वो प्लान करते रहे और कोई खबर नहीं चलाई। जैसे ही प्रियंका गांधी जो है उन्होंने अजान की आवाज आई और उन्होंने अपने भाषण को रोका, फौरन तमाम जो जितने भी पत्रकार थे उनके मोबाइल निकल गए और सबने ये खबर जो है वो फ्लैश कर दी, और तमाम मीडिया चैनल्स पर सबने देखी भी होगी कि अजान हुई, इस वजह से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण को रोक दिया। उससे पहले वो भगवान राम और रामनवमी क्यों मनाते हैं और क्या है उसकी महत्ता और रावण और राम का फर्क वो बताती हुई नजर आ रही थी, वो कोई खबर नहीं थी, जैसे अजान के वक्त वो रुकी वो खबर बन गई। तो मैं ये बता रही हूँ कि कैसे जो पत्रकार हैं उनके जहन में भी जहर घोल दिया गया है, उनको सुपारी दे दी जाती है और वो एक एजेंडे, एक नैरेटिव के तहत काम करते हुए नजर आते हैं, और यही नैरेटिव पूरे देश में ये बनाया जाता है कि देखिए एक प्रचंड लहर है, जहां बीजेपी और खुद नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं से 400 पार का नारा नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप तमाम चैनल्स खोलकर देखेंगे तो सब पर हेडर चल रहा है नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार। तो जब बीजेपी नहीं कह रही है, लेकिन तमाम जितने भी सरकारी दरबारी मीडिया हैं, वो तमाम ये नैरेटिव जनता के जहन में बनाने का काम करते रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जमीन पर काम करो मत करो, लेकिन मीडिया में अपनी एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है भोकाली, वो बनाकर रखो तो सब कुछ चंगा सी।
बिल्कुल बिल्कुल जो कह रही हैं आप, और जब आंखों देखी कुछ चीज़ें आती हैं सामने तो उसका कुछ अलग ही असर होता है जो आप बता रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। सहारनपुर की उस रैली की तस्वीरें हम लोगों ने खूब दिखाई हैं, और उस रैली में कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, कितना उत्साह, कितना उमंग, वो सब लोगों ने देखा है। और ख़ासकर आप खुद कवर कर रही थी और पल पल की रिपोर्ट वहाँ से आप दे रही थी। तो अब अभी प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि कैसे तेजस्वी यादव के बातों को, बयानों को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, आज की ही खबर है। और जमुई में उनके भाषण को, अखिलेश तेजस्वी यादव के उस बयान को हम लोगों ने एक नहीं बल्कि दो दो बार इसी कार्यक्रम में आज ही दिखाया है, सुनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मीडिया का एक धड़ा चीज़ों को अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के बयानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ अभी अभी देख रहा था मैं ट्विटर पर, बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है कि याद रखिए जब वोट देने जाइएगा तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि रामलला के मंदिर को किसने बनवाया, क्या राम के नाम पे वोट मांगने का अधिकार या वोट मांगने की अनुमति ये चुनाव आयोग देता है, क्या धर्म के नाम पर वोट मांगने की अनुमति है इस देश में, आचार संहिता कहता क्या है, क्या है उस आचार संहिता के अंदर, ये सब कुछ तो आपको देखना होगा। तो राम के नाम पे वोट मांग रही है बीजेपी और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, इसके आगे क्या कहेंगे अमलिंदु जी? जी निश्चित तौर पर राजीव जी, चुनाव आयोग तो जो है बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल धतराष्ट्र बना हुआ बैठा हुआ है, और बल्कि जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने राजीव जी, वो ये कहीं ना कहीं कुछ सच प्रतीत होता है कि भाई मैच फिक्सिंग जो है एक तरीके से की हुई है। तो ये मैच फिक्सिंग ही एक तरीके से सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के प्रोपेगेंडा कर रही है, इस तरीके के धर्म के नाम पर मांग रही है। अमित शाह जो है रामलला का फोटो हाथ में उठाए हुए वोट मांग रहे हैं, इस तरीके की सब चीज़ें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जो है वो साफ बता रहे हैं कि वो सूर्य तिलक हुआ है राम जी का और बड़े भाग्यशाली रहे, वो चप्पल उतार के हवाई उसमें हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, वही हेलीकॉप्टर में चप्पल उतारने की जरूरत क्या पड़ेगी ये पता नहीं है प्रधानमंत्री, वो जाने की जरूरत क्यों पड़, अपना अपना मसला है कि किसका किसको चप्पल पहनता है, कहाँ कहाँ चप्पल नहीं पहनता है। अब वो हवाई जहाज में चप्पल उड़ भी सकती थी, खैर वो अलग मसला है। कुल मिलाकर के राजीव जी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये साफ समझा जा सकता है कि जिस तरीके की हैं कि चुनाव आयोग जो है वो जिस तरीके की शायरी पढ़ रहे थे हमारे राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, वो उसी तरीके का काम कर रहा है जिस तरीके वो शायरी पढ़ रहे थे घटिया किस्म की, उसी तरीके का काम जो है वो इस तरीके के हो रहे हैं। तमाम जगहों से राजीव जी अगर ये मान लीजिए 25 EVM मशीनों की अगर सिर्फ शिकायत एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रही है, इसका मतलब चुनाव आयोग फेल है। भाई आपकी जिम्मेदारी चुनाव को ठीक कराने की थी, छोड़ दीजिए आप निष्पक्ष और स्वस्थ और पारदर्शी मतदान की छोड़ दीजिए, लेकिन मशीनें ठीक काम करेंगी ये तो जिम्मेदारी आपकी थी कि जो आप मशीन लगाएंगे वो काम ठीक करेंगी। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 मशीनें खराब हो रही हैं एक ही लोकसभा क्षेत्र में, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये चुनाव आयोग इसका मतलब फेलियर है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई इसमें कोई घपला नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है कि मशीनें खराब की गई कि खराब हो गई कि उनको लू लग गई, क्यों लग गई, किन बूथ पे हुई, सब बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ यही मान लिया जाए कि ये मशीनें वास्तव में ही खराब हो गई, तब भी ये मशीनें अगर 35 मशीनें 25 मशीनें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर खराब हो रही हैं, एक क्षेत्र में खराब हो रही हैं, तो ये किसका फेल्योर है? जाहिर सी बात है कि ये चुनाव आयोग का फेल्योर है। तो चुनाव आयोग को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो उसको अपने काम को ठीक से करना चाहिए था जो कि उसकी जिम्मेदारी है। वो भाषण से या शेर व शायरी लिखने से काम नहीं चलेगा कुल मिलाकर राजीव जी, वही सारी चीज़ें सब सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और इन चीज़ों के बीच चाहे प्रधानमंत्री हो या उनकी पार्टी हो, और धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात हो, और क्या ये सारी चीज़ें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी तह में जाने की कोशिश कीजिए तो आप समझ में आएगा आपको कि अभी जो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से अखिलेश यादव के उस ट्वीट को लाइए, जो साथी बाद में जुड़े हों उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव जिस इस ट्वीट में जो कह रहे हैं, पहली लाइन देखिए, भाजपा के पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है, यानी पहले दिन का चुनाव और पहला शो ये फ्लॉप हो गया है। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी अच्छी लग रही है, न घिसे पिटे डायलॉग्स अच्छे लग रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं भाजपाइयों को अब न जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है, देश की जागरूक जनता को अब नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन समाजों ने इंडिया परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन किया है, वो वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। ये सब किस समाज के लोग हैं इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी का भरपूर पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी किया है कि हम किसी और को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देने भी नहीं जाएंगे। आपसे अपील यही है कि वोट देने जाइए, आपको कोई पसंद ना आए तो नोटा का बटन है वो जरूर दबा दीजिए, लेकिन इस्तेमाल कीजिए, उंगली पर वो निशान आप खुद लगता है तो लगता है कि हाँ हमारे पास कुछ अधिकार था जिसका हमने सदुपयोग किया है। उस अधिकार का अभी भी समय है, 33 मिनट का समय बाकी है, अभी 6 बजने में, उससे पहले जाइए और वोट दे के आइए। आप जानते हैं कि 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है, आपको लाइन में खड़ा होना है, उसके बाद भी आप 6 बजे तक अगर आप लाइन में खड़े हो गए तो ये मान के चलिए कि आप भले 10 बज जाए वोट दे के ही आएंगे। और आखिरी समय में भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, बहुत जगह अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आकर लाइनों में खड़े हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने आपको मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की दिखाई थी अभी, तो ये जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा। हाँ, लोगों में उत्साह है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कैंडिडेट को जो जिनको वो पसंद करते हैं उनको वो चुनना चाहते हैं, इसलिए वोट देने आए हैं। और भीड़ उस समय ये भीड़ है जिस समय आधी दोपहर मतलब पूरे के पूरे दोपहर का समय है, और वैसे दोपहरी में अगर यहाँ लोग हैं तो मतलब साफ है कि लोग चाहते हैं